Hi everyone, good morning. Welcome back to my channel. This is Arya Poonam from Assam. Namaskar, Gumrukh Sudung. Guys, firstly, thank you so much. क्योंकि सब लोग पूछ रहे थे मेरा तबीयत के बारे में, कैसा है, क्या है. मैं अभी ठीक हूँ guys. मेरा हाथ भी थोड़ा हाँ, ये देख सकते हैं पूरा ये क्या बोलते हैं इसका, पूरा स्वेलिंग हो चुका था. ये अभी थोड़ा ठीक हो गए हैं और थोड़ा स्किन भी छिल गया था इसका, लेकिन अभी ठीक हो गया है. और अभी ठीक हो गया है थोड़ा, अभी भी बॉडी पेन है थोड़ा थोड़ा. और इसलिए कल हम लोग अच्छे से रेस्ट किए. कल मैं जल्दी भी सो गई, मैंने वीडियो भी कल उतना व्लॉग नहीं बनाया, तो एडिट नहीं किया, फुल रेस्ट किया मैंने. और कल जल्दी भी सो गई और आज उठ के फिर मेरा आग भी थोड़ा स्वेलिंग है यहाँ पे, इधर यहाँ पे थोड़ा काला काला दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मैंने अभी थोड़ा ऐसे कंसीलर से थोड़ा ढक दिया है क्योंकि ज़्यादा ही काला लग रहा था, तो कंसीलर लगा लिए थोड़ा सा. और स्वेलिंग तो है थोड़ा, देख सकते हैं ये आग से भी ये थोड़ा फूला हुआ है, ये आग से भी ये थोड़ा फूला हुआ है. फिर इधर काला भी हो गए हैं, इधर ऐसे करके इधर सीधा ऐसे यहाँ पे लगा, तो हेलमेट का वजह से हुआ एक्चुअली. वो अगर हेलमेट नहीं पहना होता तो शायद कहीं कहीं पे तो लग जाते हैं बहुत ख़तरनाक से, फिर बहुत बुरा हाल होता मेरा. थैंक गॉड कि कुछ नहीं हुआ मुझे भी और उन लोगों को भी कुछ नहीं हुआ. और सब लोग कमेंट कर रहे थे, वो कमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बाइक चलाते चलाते बताऊंगी, मोटो व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि अभी लेट हो रहा है, सब लोग निकल चुके हैं, मैं रह गई. अभी सामान पैक कर रही हूँ, सामान पैक करके अभी नीचे जाते हैं, लोड करके ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे गाइस. तो मिलते हैं आपको मोटो व्लॉग पे, बात करके जाएंगे. ओके, इंसिडेंट के बारे में क्या हुआ, कौन क्या कॉमेंट कर रहा है, क्या नहीं, सब कुछ बात करेंगे हम लोग. ओके गाइस, तो गाइस नीचे मैं आई थी बैग बांधने और यहाँ पे हमारे प्यारा सा यूट्यूब फैमिली सुरखेत से ना, आप लोग थैंक यू सो मच मुझे मिलने आने के लिए, एक घंटे से वेट कर रहे थे. मुझे यहाँ से भी लोग देखते हैं आप लोग, थैंक यू मिलके अच्छा लगा. अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सब लोग. हाय, गुड मॉर्निंग. ब्रेकफास्ट करते हैं फिर क्या बोलते हैं तुम लोग, चापचूप निकलेंगे, चापचूप चापचूप मतलब चापचूप चल देने हो. ना गर्मी में गाइस हालत खराब हो रहा है, मैं बाइक पे ऐसे चढ़ के अभी वीडियो बना रही हूँ. अभी जैकेट पहनेंगे. पाली उतना समझ में तो नहीं आता, लेकिन जो भी पूछता है मैं अंदाज देके मैं आंसर दे देती हूँ. वेलकम बैक टू मोटो व्लॉग. तो अभी निकल रहे इधर से, ईश्वर गणपति बापा मौर्य हर हर महादेव जो है अखम मिसिंग राम रॉय. लेट्स स्टार्ट आवर राइड. ही टाइम हो रहे है 8:30 हो चुके होंगे. अभी निकलेंगे, पेट्रोल भरेंगे सबसे पहले. तो चलिए, चलो चलो केटीओ केटी केटीस लेट्स गो. हमारे बाकी दो बंदियां किधर गई वो तो पता नहीं. तो गाइस फाइनली राइड शुरू हो चुके हैं, रारा इज ऑन गाइस. आज है डे 3. सबसे पहले तो हम लोग फ्यूल अप करेंगे. क्या हुआ, अच्छा पेट्रोल नहीं है, फर्स्ट थिंग है फ्यूल अप, क्योंकि फ्यूल खत्म हो रहे हैं. आज तो इतना गर्मी नहीं होगा लग रहा है. इंद्र चौक इधर से किधर जाना है, यहाँ से यू टर्न लेके जा रहे हैं. दिमाग खराब हो गया है इतना गर्मी में, हालत खराब. और ये है सुरखेत, इतना सुंदर सा जगह है. वाव, ये नजारा तो कुछ और ही लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है. फाइनली गाइस रास्ता ढूंढ, इतना रास्ता ढूंढने के बाद, इतना चक्कर लगाने के बाद फाइनली सही रास्ता जा रहे हैं हम लोग. गोल गोल घूम 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 के जा रहे थे. एक मिलता है तो दूसरी गायब होता है, दूसरा मिलता है तो तीसरी गायब होता है, ऐसे चल रहा था. फिर अभी सीधे हम लोग जाएंगे पहाड़ वाले रास्ते से. यहाँ से शुरू होता है पहाड़ वाला रास्ता. अभी पूरा पहाड़ रास्ते से ही जाने वाले हैं हम लोग ऊपर की तरफ. कपासी बोलते हैं वो जगह का नाम, पता नहीं. और ये देखो गाइस ऊपर जा रहे. आप लोगों को कल के इंसिडेंट के बारे में भी कुछ बात करना है. बहुत कम लोग जाते हैं रारा, और दूर भी है जितना यूज है, मुस्तांग मनांग वो सबसे तो दूरी है रारा. तो हम लोगों ने इसीलिए डिसाइड किया कि थोड़ा वेस्ट नेपाल में रारा घूम के आते.
वो लोग नेपाल में ही रहते हैं, बट स्टिल वो लोग भी नहीं गए थे रारा, क्योंकि थोड़ा दूर है, 3-4 दिन लगता है इधर रारा पहुंचने के लिए। तो इसीलिए सब लोगों ने प्लान बनाया रारा जाने का। तो फाइनली प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। आज तो रारा नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि पहाड़ पहाड़ वाला रास्ता ही मिलने वाले हैं हमें, और ऑफ रोड भी मिलने वाले हैं, इसीलिए आज नहीं पहुँच पाएंगे। कल पहुँचेंगे रारा, और आज हम लोग बीच रास्ते पे ही रुक जाएंगे। तो सब लोग कमेंट कर रहे हैं, सब लोग अच्छा ही कमेंट कर रहे हैं, जो कि गलती के बारे में सब लोग। तो मैं क्या सोच रही थी कि उतना, मतलब ऐसा भी नहीं है कि उतना आप लोग, सब लोग बोल रहे कि वो स्कूटर वाला का गलती है, फिर बोल रहे मेरा गलती है, ऐसे गलती तो मैं खुद भी मान रही हूँ, क्योंकि मेरा गलती मैं इसीलिए मान रही हूँ कि लाइक मैंने वाइट लाइन क्रॉस कर लिया ओवरटेक करने का, ठीक है। उन लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उन लोग ऐसे फटाक से यू टर्न ले लेंगे। एटलीस्ट यू टर्न लेते समय हर किसी को ऐसे लेफ्ट एंड राइट एक बार तो देखना चाहिए ही, या तो मिरर पे देखना ही चाहिए। आप लोगों ने वीडियो देखा है तो पता चल ही रहा होगा, एक बार भी मेरे तरफ उसके राइट साइड पे एक बार भी उसने मुड़ के नहीं देखा। जब मैं पास में उसको क्रॉस करने वाली थी तभी उसने मेरे को ऐसे घूर के देखा। मैं 70-75 के अंदर ही थी मेरा स्पीड, और मैंने जब ओवरटेक करने की कोशिश किया तब मैंने, उससे पहले तो मेरा स्पीड 60-65 ऐसे ही था, और मैं जब ओवरटेक करने वाली थी, जब उन लोगों को ओवरटेक करने वाली थी तभी मेरा स्पीड मैंने हाई किया, क्योंकि मैं बात कर करके आ रही थी। मैं जब बात कर करके जाती हूँ तो मेरा स्पीड लिमिट हमेशा हाईवे पे 60 होता है, या तो 50-60 ऐसा होता है। जब मैं ओवरटेक करने वाली थी तभी मैंने थोड़ा एक्सेलेटर दबाया ताकि मैं उन लोगों को फटाक से क्रॉस करके जाऊँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो लोग फटाक से वो लोग भी यू टर्न ले लेंगे। उसका गाड़ी होता मेरे बाइक के अलावा, या कार या ट्रक जो भी होता, तब तो वो लोग पक्का कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाते, पक्का वो लोग का कुछ ज़्यादा ही मेजर एक्सीडेंट हो जाता तब तो। हर पहाड़ में हर जगह का अपना अपना खुद का यूनिक ब्यूटी है। इंजर जगह में रह के ये फोटो खींच रही है, देख इसको, इतना यहाँ पे इतना गर्मी नहीं है ना ऊपर, अभी पूरा पाइन ट्री है ना इसलिए। तो गाइस इधर हम लोग थोड़ा रुके हैं फोटो वीडियो लेने के लिए, रुकने से गर्मी लगता। अभी मॉर्निंग का टाइम है, इतना गर्मी नहीं है, शाम होता तो दिमाग खराब हो जाता है, इतना गर्मी है। खुद का बॉडी को ही ठीक रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाइक को भी ध्यान रखना पड़ता है। सो चेन में ऑयल डाल रही, मेरा ऑयल तो उधर ही घर पे ही रह गया। सर बाइक का वर्कशॉप है क्या, बाइक का वर्कशॉप है क्या, ये इधर ही तो है, टूट गया कैसे? अच्छा इसका गम निकल गया। ओह गाइस अमेजिंग व्यू, हम लोग पहाड़ पूरा पहाड़ पहाड़ वाले रास्ते होके जा रहे हैं। हम लोग थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, और रास्ता देखो भाई, इधर से तो गिरा तो गया, बहुत खतरनाक है पहाड़ों पे चलाना। और अभी तो इतना गर्मी नहीं है, थोड़ा ऊपर आ गए ना इसलिए ठंड लग रही है, थोड़ा ठंड है, और ऊपर ऊपर जितना जाती रहूँगी उतना ही ठंड लगेगी। 41 डिग्री हो चुके थे गर्मी यहाँ पे वेस्ट नेपाल पे, पूरा ब्लाइंड कर्व से इधर देख के चलना पड़ता है। गाइस आप लोगों को ये बात एक बार बोलना चाहती हूँ, क्योंकि गलती किसी का भी हो हम लोग रूल्स तो फॉलो करना ही पड़ेगा, कानून का रूल्स तो फॉलो करना ही पड़ेगा। गलती किसी का भी हो, अगर मेरा भी गलती हो या उसका भी गलती हो, तो कानून का रूल हमें फॉलो करना ही पड़ता है। गाइस एक्सीडेंट तो कोई भी जानबूझ के तो नहीं करता है ना। हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे इतना गर्मी नहीं लग रहा है, और वो लोग पीछे आ रहे हैं, मैं थोड़ा आगे आके रुकी हूँ साया पे। धूप भी है बट उतना गर्मी भी नहीं है, ठंड है। और पता नहीं, एक बार फ़ोन चेक करने के लिए रुकी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है ये, एक बार फ़ोन चेक करने के लिए रुकी थी लेकिन यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। और मेरा शक्ल क्यों ऐसा आ रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो रहा है अभी। ये कैमरा भी मैंने ऐसे उल्टा लगाए हैं क्योंकि इतना गर्मी है, गर्मी में ऐसा हो गया। और मेरा ये देखो काला काला अभी नज़र आ रहा है ना, अभी दिखाई दे रहा है, मेरा आँख कैसे काला होके रखा है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सुरक्षा ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे दोस्त लोग मुझे सपोर्ट नहीं किया, नेपाली दोस्त लोग मुझे सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है, सब लोग मुझे सपोर्ट किया है। गाइस आप लोग गलत मत समझना, सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है अभी। और ये बात को अभी
और डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट मूव ऑन करते हैं और राइड एंजॉय करते हैं, और आप लोग भी व्लॉग एंजॉय करना। ओके गाइस, हाउ कितने का? एक देना प्लीज। 3 दिया। ओके इसका पैसा दूंगी बोल रही हूँ आपको। हाँ एक दो दाने का पैसे के पूरे लाना तो इसका पता से दो दाने के क्या पैसे लाने है क्या नहीं चाहिए पैसा पड़ देना अच्छा आप लोगों के पूरा बगान है घर पे। वाह थैंक यू सो मच मिठा छो कोस तो मिठो छो। अच्छा दवाई ववाई कुछ भी नहीं लगाया ऑर्गेनिक बहुत यम्मी है लोकल ऑर्गेनिक है घर से इधर बेच रहे ऐसे 50 रुपीस में इतना ज़्यादा 50 रुपीस अगर ये बाजार में बिकता तो ये कम से कम है ना बाजार में बहुत महंगा है ना कितना होगा 100 रुपये के जी ना अच्छा है 50 रुपये में मिल रहा है इधर इतना अच्छा है। प्लम को नेपाली में आप लोग क्या बोलते हैं? नेपाल तो बहुत सुंदर है आप लोगों को भी नेपाल जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए एक बार। ना गर्मी हो रहा है ऐसे पहाड़ों पे ऐसा गर्मी सूट नहीं करता यार। यहाँ पे दो रास्ता है नीचे जाना है भयंकर। कुछ खा लेते हैं हम लोगों ने खाना वाना खाया इधर आम चोर करते है गाइस आम चोरी कर लिया। इधर एक मंदिर है खट्टा है खतरा दामी। वो हवा देखो पानी ओ ये पानी का कलर अलग अलग है वो गर्मी में कपड़ा वपड़ा कुछ सब कुछ खोल दिया जूता वगैरह सब खोल के इधर सुरक्षा सो रही है उधर कौन सो रहा है अगर ये नहीं पड़ता है तो मैं ऐसे गला में खा दी क्योंकि इतना गर्म हो रहा है कि पता नहीं देखो स्विमिंग खेल रहे लड़कियां अभी सो रहे थे इधर स्विमिंग करने जाएंगे बोल के छपाक के उठ गए सब लोग छपाक से फटाक से छपाक से ओह माय गॉड शिट गरम है बहुत अम्मा पैर जल गया पूरा आई ओ ओ ओ चलो चलो सब लोग पहन गए पहन लिए हैं अभी जाएंगे लेट्स गो गाइस कहां नहीं इधर नीचे पानी में जाएंगे गाइस इधर से अभी निकलते कुछ ज्यादा ही हो गया बहुत डर लग रहा है अभी हमें क्योंकि हम लोगों ने बिना सोचे समझे नदी में नहा दिया। हम लोगों को पता ही नहीं था कि वो ऐसी जगह है कैसी जगह बोले तो वो जगह मतलब शमशान घाट जैसा है शमशान घाट इंसान जलाता है उधर क्या क्या पूजा करता है काटा है पूरा मुंडन वगैरह किया ऐसा टाइप का इंसान जाने जलाने वाले जगह पे हम लोग नहाए इतना रिग्रेट हो रहा है अभी ना पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा मैं तो कुछ नेगेटिव तो मतलब क्या ही बोलूँ अभी अगर ओवरथिंक करूँ तो खुद को ही डराएगा सब लोग ओवरथिंक नहीं कर रहे ऐसे जा रहे अभी तो अभी पता नहीं था कि शमशान घाट है शमशान घाट मतलब ऐसे वहाँ पे वो करते हैं इंसान जलाते हैं हम लोगों को पता भी नहीं था ऐसे नहाने चले गए बाद में पता चला मोट को टक से छू के वापस आए बट कोई ना गाइस थिंक पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव में रहना चाहिए कुछ आज तो मानमा माली खोट या कुछ ऐसा है वहाँ पे रुकेंगे रास्ता देखो वो पहाड़ से इस पहाड़ ऐसे क्रॉस करके आए हम नीचे नदी ऊपर पहाड़ और बीच में रास्ता रास्ता देख लो गाइस कुछ इस तरीके का है बीच में बहुत ही ऑफ रोड था उधर और गर्मी भी है और ऑफ रोड भी है बीच बीच में पर आगे जाके और
वो क्या होने वाला है वो तो पता नहीं. माय गॉड लुक एट दिस व्यू गाइस, लुक एट दिस. ये है और ये रास्ता, यहाँ से ऐसे उधर से जाना है, ऐसे करके किधर जाना है पता नहीं. सुंदर सा व्यू है, कितना सुंदर व्यू है. देखो 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 कस्तूर अमरो यार, कस्तूर अमरो. मस्त व्यू एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पूरा. दीदी तो पूरा मस्त बैठ के व्यू एंजॉय कर रहे हैं इधर से. ओह माय गॉड कितना डेंजर रास्ता है, अगर गिरने का नहीं भयंकर, गिरने का नहीं, गिरने का नहीं, गिरने का नहीं. हाय रारा. नेपाली तो समझ में नहीं आ रहा है, अंदाजे लगा के बोल दिया. मतलब कहाँ जा रहे पूछ रहे थे होंगे पता नहीं, मैं तो रारा बोल दिया. भाई नीचे देखो सब्जी का खेत है, शायद सब्जी का खेती किया हुआ है, वो भी नदी के सामने. वाव अमेजिंग, कुछ अलग सा लग रहा है, यूनिक स्टाइल रहा है, कुछ अलग अलग सा फील हो रहा है. माय गॉड वाइब ही अलग है यहाँ का. रारा तो बहुत ही सुंदर सा जगह है, आप लोगों को ऑब्वियसली लेके जाऊंगी मैं और दिखाऊंगी ऑब्वियसली. वो गांव का घर कुछ इस तरीके का होता है. पूरा गांव का अंदर आ गए हम लोग अभी. छोटे छोटे गाँव है बीच बीच में, बहुत अच्छा लगता है. हाय राम रो छो धागो धागो आ हेयर में लगाने के लिए. देखो गाइस पांच है. रास्ता कैसा है देख सकते हैं आप लोग, खतरनाक है बहुत. ये देखो OMG बीच वाला पहाड़ देख सकते हैं ना, उसके ऊपर टॉप पे गांव है. ओ गॉड वाह, रास्ता कुछ इस तरीके का मिलने वाले हैं भाई. पूरा ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड. गाहोरी वे गाहोरी, सुअर देखो भाई. ऐसे चिल्ला रही हूँ कि पहली बार देख रही हूँ, नहीं क्यों मैं चिल्ला रही हूँ. ओ माय गॉड सुअर गाहोरी गाहोरी, क्योंकि यहाँ पे मैं पहली बार नेपाल में पहली बार मैं गाहोरी देखा, इसलिए सुअर देखा मैंने. बाकी लोग आ रहे हम लोग वेट कर रहे इधर. हाँ आप नॉन स्टॉप चला के आए भाई, दर्द भी करने लगा अभी. ये देखो नीचे रास्ता है, ऐसे ऐसे करके आए हम लोग अभी. उधर से वो वाला रास्ता से ऐसे आके ऐसे क्रॉस करके इधर से आए हम लोग. अभी पहुँच चुके हैं, अभी यहाँ पे हम लोग होटल ढूंढ रहे हैं. होटल ही है रूम देख जरा. हाँ हाँ रूम देख के आ गाइस. हम लोग अभी पहुंच चुके हैं और होटल ढूंढ रहे हैं. यहाँ पे एक होटल में यहाँ पे आए रूम देखने के लिए भेजे अभी, तो रूम देख के आएंगे वो लोग. ओके